ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 72 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज से पहले की सभी पढ़ाई गई 71 क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम के कॉलम पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। वहां पर सभी कक्षाओं को क्रमानुसार रखा गया है। कोई भी पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बेल को ऑन करके प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा के कॉलम पर क्लिक करके 1, 2, 3 इस प्रकार से सभी क्लासेस को पढ़ सकते हो। मित्रों, ये शून्य स्तर से संस्कृत सिखाने का बिना पुस्तक का ये हमने ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। करोड़ों लोग इस कोर्स के माध्यम से संस्कृत भाषा में प्रवेश कर सकेंगे। यदि पाठकों के पास में संस्कृत की कोई पुस्तक नहीं है और वे पाठक संस्कृत के एक शब्द को भी नहीं जानते, संस्कृत का एक छोटा सा वाक्य भी नहीं वो पढ़ करके अर्थ कर सकते हैं, उन पाठकों का, करोड़ों पाठकों का इस कोर्स के माध्यम से जीरो लेवल से संस्कृत भाषा में प्रवेश होगा। उन सभी के लिए ये कोर्स तैयार किया गया है। मित्र, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक लोग संस्कृत भाषा में प्रवेश कर सकें और फिर आगे की संस्कृत की स्टडी को कर सकें। देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, निःशुल्क प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए बनाया है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में संस्कृत भाषा को पढ़ने की इच्छा ना छोड़े। यदि संस्कृत भाषा को पढ़ने की इच्छा है मन के अंदर, आत्मा के अंदर, कि मुझे भी संस्कृत भाषा पढ़नी है, तो ये सभी पाठक अपनी उस इच्छा को पूर्ण कर सके और सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो शास्त्र हैं उनको स्वयं अपनी आंख से पढ़ करके अर्थ समझ सके। ये महान सौभाग्य की बात। मित्रों, ये निःशुल्क अभियान चल रहा है, आप सभी के सहयोग से चलता है।
कोई फीस नहीं ली जाती, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई आपसे शर्त नहीं लगाई जाती है, परंतु आपका हमें सहयोग निरंतर मिलता रहता है, आप हमें अपना सहयोग निरंतर देते रहते हैं, तो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप सभी को सहयोग करना भी चाहिए। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था और तुमन प्रत्यय का नियम था, साधारण नियम था, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ धातुओं के तुमन और कत्वा प्रत्यय के रूप में आपको लिखा रहा हूं, जिससे आप अधिक से अधिक कुछ बोल चाल में अपने वाक्य बना सकें, बोल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कत्वा और लेप के बना रहा था, ठीक है, कुछ रूप मैंने लिखाए थे आपको, और इसमें हमने ये एक पंक्ति आपको लिखा दी थी पूरी, इधर की ये पंक्ति ये जो थी यहां तक छिद तक मैंने आपको लिखा दिया था। और अब मैं आपको यहां से ये धातु होती है इस लाइन में, इसमें कत्वा प्रत्यय का रूप, इसमें लेप प्रत्यय का रूप होता है, तो उन्हीं को मैं आपको आज आगे यहां से लिखाना आरंभ करता हूं। आप अपनी कॉपी खोल लीजिएगा और लिखना आरंभ कीजिएगा, ठीक है। ये लीजिएगा, चलिएगा, जी धातु है, जी धातु का अर्थ होता है जीतना, जय को प्राप्त करना, इसका कत्वा प्रत्यय बनता है जित्वा, लिखिएगा जित्वा, जीत कर। और विजित्य ये कत्वा लेप में बन जाता है, विजित्य का भी अर्थ होता है अच्छी प्रकार से जीत करके, विजय को करके, विजय पा करके, तो विजित्य। ज्ञा धातु है, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, और ज्ञात्वा माने जान करके, समझ करके, ठीक है। और विज्ञाय का भी वही अर्थ है अच्छी प्रकार से जान करके। इस लाइन के कत्वा प्रत्यय के रूप में ये कत्वा को लेप हो जाता है उसके रूप है, ठीक है। तन धातु है, तन का अर्थ होता है फैलाना, विस्तार करना, तो तनित्वा का अर्थ है फैला करके, विस्तार करके। लिखते जाइएगा, इतनी देर में आप आराम से लिख सकते हैं, सुनते भी रहिए, पहले लिख लीजिएगा, फिर बाद में दोबारा वीडियो में आप उसका अर्थ सुन लीजिएगा यदि कठिनाई है तो। वितत्या, वितत्या माने और अच्छी प्रकार से फैला करके, ठीक है, विस्तार करके, वितत्या। तुष का अर्थ होता है तुष्ट होना, संतुष्ट होना, तुष्ट्वा माने संतुष्ट होकर के, संतुष्य का अर्थ है अच्छी प्रकार से संतोष को प्राप्त करके। त्री, ये दीर्घ त्री है, त्री का अर्थ होता है तैरना, पार करना, तो तीर्त्वा का अर्थ है तैर करके, पार करके। उत्तीर्य, तो ये लेप का उत्तीर माने अच्छी प्रकार के उतर करके, पार करके, ठीक है। उत्तीर्य दोनों का अर्थ एक ही तरह से एक जैसा ही है वैसे, ठीक है। त्यज धातु का अर्थ है छोड़ना, तो त्यक्त्वा माने छोड़ करके, ठीक है, त्यक्त्वा माने छोड़ करके। और परित्यज्य माने सब तरफ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके, ठीक है, परित्यज्य वो अर्थ है छोड़ करके ही अर्थ है, ठीक है, परित्यज्य। दा धातु है, दा से त्वा बनता है दत्त्वा, दत्त्वा का अर्थ, दा का अर्थ क्या, देना, दत्त्वा माने दे कर, या दे कर। और आदाय, तो आदाय माने लेकर, यहां पर उल्टा अर्थ हो जाता है, दत्त्वा माने देकर और आदाय माने
लेकर, ठीक है, आधा आएगा लेकर, दिश धातु है, दिश 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 का अर्थ होता है निर्देश करना, उपदेश करना, बताना, ठीक है। तो दिष्ट्वा, दिष्ट्वा माने बता करके, निर्देश करके, और उपदिश्य, उपदिश्य का अर्थ है उपदेश करके, उपदेश माने समीप में बैठे लोगों को अच्छी बात बता करके। दूहा, दूह का अर्थ होता है दूहना, दूध को निकालना, ठीक है। तो दुग्ध्वा, दुग्ध्वा माने दूह करके, ठीक है, दुग्ध्वा माने दूह करके। संदुह्य, संदुह्य का अर्थ है अच्छी प्रकार से दूह करके, ठीक है। संदुह्य। दृश्य, दृश्य का अर्थ है देखना, ये तो याद है आपको। इसका दृष्ट्वा, दृष्ट्वा माने देख करके, दृष्ट्वा। संदृश्य, संदृश्य माने तो अच्छी प्रकार से देख करके, निरीक्षण करके, संदृश्य उसका अच्छी प्रकार से देखभाल करके, ठीक है, संदृश्य। धा, धा का अर्थ होता है धारण करना, गुणों को धारण करना, कपड़ों को धारण करना, ठीक है, और भी चीजों को धारण करना। तो धा का बनता है हित्वा, हित्वा माने धारण करके, ठीक है, ध्यान दे, हित्वा का अर्थ क्या है, धारण करके। विधाय, विधाय माने अच्छी प्रकार से धारण करके, ठीक है, अच्छी प्रकार से धारण करके। परमात्मा को क्या बोलते हैं, विधाता, क्योंकि वो संसार को अच्छी प्रकार से धारण करता है, अर्थात संसार को अपने कंट्रोल में रखता है। तो विधाय। धाव, धाव धातु का अर्थ है दौड़ना, अथवा धोना भी अर्थ होता है, कपड़े आदि धोना भी होता है, ठीक है। तो धावित्वा माने दौड़ करके, अथवा धो करके, कपड़े धो करके, साफ करके। और प्रधाव्य माने अच्छी प्रकार से दौड़ करके। ध्यायी, ध्यायी धातु का क्या अर्थ है, ध्यान करना। और ध्यात्वा माने ध्यान करके, ठीक है। संध्याय, संध्याय का वही अर्थ है अच्छी प्रकार से ध्यान करके। नम धातु है, नम का अर्थ है नमस्कार करना, ठीक है। तो नत्वा, नत्वा माने नमस्कार करके, झुक करके। प्रणम्य, वही अर्थ है माने अच्छी प्रकार से नमस्कार करके, प्रणाम करके, प्रणम्य, झुककर। नश, नश का अर्थ होता है नष्ट होना। तो नष्ट्वा, नष्ट्वा माने नष्ट होकर, नष्ट करके नहीं, नष्ट होकर, ठीक है, ध्यान देंगे। और विनश्य, विनश्य माने अच्छी प्रकार से नष्ट होकर, ठीक है। ये नी पूर्वक व्री धातु का, नी पूर्वक व्री धातु होती है, ये उपसर्ग है, इसलिए यहाँ कत्वा का रूप नहीं बनता है, कत्वा का बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या बनेगा, निवृत्त्या, निवृत्त माने हट करके, माने निवृत्त माने कंप्लीट करके, वहां से अलग हो जाना, ठीक है। नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। तो नीत्वा, नित्व माने ले जाकर। आनिया, आनिया, आनिया का अर्थ होता है ला करके, क्या ला करके। नृत्य, नृत्य धातु का अर्थ है नाचना, टू डांस।
तो नर्तित्वा माने नाच कर, ठीक है, और प्रनृत्य, प्रनृत्य माने अच्छी प्रकार का नाच करके अच्छी प्रकार का नृत्य करके। पच्छ, पच्छ धातु का अर्थ है पकाना, क्या होता है पकाना। तो पक्त्वा, पक्त्वा माने पका करके। संपच्य, संपच्य का अब वही अर्थ है अच्छी प्रकार से पका करके, ठीक है, अच्छी प्रकार से कुक करके। इंग्लिश में कुक बोल रहे हैं आजकल, कुक बोलते हैं पकाना के, या कुक बोलते हैं भाई कुक कर दो। पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना, तो पठित्वा माने पढ़ करके। संपठ्य माने अच्छी प्रकार से पढ़ करके, समझ करके पढ़ के, माने समझ के, समझ 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 कर पढ़ करके। पथ, पथ का अर्थ है गिरना, पतित्वा, पतित्वा माने गिर कर। निपत्य, निपत्य का अर्थ है अच्छी प्रकार से गिर करके, कहीं बीच में लटका ना रहे, पूरा ही गिर करके, निपत्य। ये आपको मैंने लिखा दिया, कुछ और हैं अभी उनको भी लिख लेते हैं, ये दो पेज के रूप है इसमें, तो दो पेज के आपको लिखा देता हूं आज की कक्षा में, ठीक है। लिखते रहिए, बहुत आपके लिए लाभदायक है ये, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखिएगा, पलाय माने परापूर्वक आय धातु है, इसलिए इसका कत्वा का रूप नहीं बनता है, इसका अर्थ होता है भागना, क्या है भागना अर्थ होता है, माने दूर भाग जाना। तो पलाय, पलाय का अर्थ है दूर भाग कर, ठीक। पा धातु है, पा धातु है, और ये कैसी है, ये पीने अर्थ में है, पीना, पीना। तो पा माने पीत्वा, पीत्वा माने पी करके, ठीक है। निपाय, निपाय माने अच्छी प्रकार से पी करके, वही अर्थ है। प्री, क्या है प्री धातु, प्री का अर्थ होता है पूरा करना, ठीक है। पूर्त्वा, पूर्त्वा माने पूर्ण करके। आपूर्य, आपूर्य, आपूर्य का भी बोलकर है अच्छी, सब को मैं दो अच्छी प्रकार से पूर्ण करके, आपूर्य। और देखिए प्रच्छ धातु है, प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। तो पृष्ट्वा, पृष्ट्वा माने पूछ कर। संपृच्छ, संपृच्छ का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से पूछ करके, ठीक है। बुद्ध, बुद्ध धातु का अर्थ होता है जानना, समझना, ठीक है। बुद्ध्वा, बुद्ध्वा माने जान करके अथवा समझ करके। प्रबुद्ध्य, प्रबुद्ध्य का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से जान करके, समझ करके। ब्रू, ब्रू धातु है, ब्रू का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। ये मुझे सभी धातुओं के अर्थ याद हैं, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूं, जिससे आपको भी सीखने को मिल जाए, ठीक है। जब आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक। तो ब्रू माने बोला। उक्त्वा, उक्त्वा माने बोल करके अथवा कह करके। प्रोच्य, प्रोच्य माने अच्छी प्रकार से बोल करके, या ऊंचे स्वर से बोल करके। भक्ष, भक्ष का अर्थ होता है खाना। तो भक्षित्वा, भक्षित्वा माने खा करके। और संभक्ष्य माने अच्छी प्रकार से खा करके, ठीक है, संभक्ष्य। चलिएगा आगे आ जाइए मित्रों।
भज भज का अर्थ होता है वास्तव में सेवन करना। तो मेरे यहां पर भज का अर्थ है ईश्वर का ध्यान आदि करना, ठीक है, ईश्वर का भजन करना, ऐसा अर्थ मुख्य रूप से ले सकते हैं। ठीक है, देवी देवताओं का भजन करना। तो भज माने भक्त्वा, भक्त्वा माने भजन करके, और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है भक्त माने सेवा करके, दोनों अर्थ हो सकते। विभज्य यहां पर अलग अर्थ हो जाएगा, यहां पर होगा विभज्य का विभाग करके। ठीक है, क्या विभाग करके, बांट करके, वी आ गया इसलिए अर्थ बदल गया। भाष भाष का भाषित्वा, भाष का अर्थ होता है बोलना, कहना। तो भाषित्वा माने बोल कर, भाषण देकर, संभाष्य अच्छी प्रकार से भाषण देकर के। ठीक है, भिद भिद धातु है, भिद 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 का अर्थ होता है भेदना, तोड़ना। ठीक है, तो भेत्वा मित्वा माने तोड़ करके अथवा फोड़ करके। प्रविद्या प्रविद्या माने भेदन करके, भेद कर। ठीक है, भुज का अर्थ है यहां पर खाना। ठीक है, तो भुक्त्वा भुक्त्वा माने खाकर, और उपभुज्य उपभुज्य माने उपभोग करके, विषयों का उपभोग करके, अपने अर्जित किए हुए धन का उपभोग करके। हाँ, भू भू का अर्थ होता है होना, तो भूत्वा भूत्वा माने हो करके। संभूय माने अच्छी प्रकार से हो करके। भ्रम भ्रम का अर्थ है, भ्रम का माने घूमना, ठीक है, भ्रमण करना। तो भ्रमित्वा भ्रमण करके। संभ्रम्य संभ्रम्य का अर्थ है अच्छी प्रकार से घूम करके। ठीक, मन मन का अर्थ है मानना, मानना मन। ठीक है, एक्सेप्ट करना। मत्वा माने मान करके अथवा जान करके अथवा चिंतन करके, सभी अर्थ है। अनुमत्या अनुमत्य का अर्थ हो जाएगा अनुमति लेकर के। ठीक है, अनुमति लेकर के। मिल मिल का अर्थ होता है मिलना, किसी से मिलना, भेंट करना, अथवा किसी से मिश्रित हो जाना, मिल जाना, मिक्स हो जाना। तो मिलित्वा मिलित्वा ने मिल करके। सम्मिल्य सम्मिल्य का अर्थ है अच्छी प्रकार से मिल करके। ठीक है, मुच मुच माने मुक्त्वा, मुक्ता ने मुक्त होकर, मुच माने छोड़ना अर्थ होता है। ठीक है, तो छोड़ करके, मुक्ता माने छोड़ करके। ठीक है, या छूट करके। विमुच्य विमुच्य माने विमुच्य का वही अर्थ है अच्छी प्रकार छोड़कर। यज यज का अर्थ होता है यज्ञ करना। तो इष्ट्वा माने यजन करके, यज्ञ करके। समिज्य अच्छी प्रकार से यज्ञ करके। या का अर्थ होता है जाना। ठीक है, यात्वा माने जा करके। प्रयाय माने अच्छी प्रकार से जा करके, प्रयाण बोलते हैं। प्रयाण माने अच्छी प्रकार से चले जाना, अर्थात शरीर से निकल ही जाना, प्रयाण हो गया उनका, ऐसा बोलते हैं। अर्थात दोबारा नहीं आ सकती आत्मा इस शरीर में, गई गई। युज युज का अर्थ होता है युक्त होना। तो युक्त्वा युक्त्वा माने युक्त हो करके। प्रयुज्य माने अच्छी प्रकार से प्रयोग करके, या प्रयुज्य का अर्थ है प्रयोग करके। ठीक है, प्रयोग करके। युद्ध ये युद्ध धातु है। ठीक है, तो युद्ध युद्ध का अर्थ होता है युद्ध करना।
तो युद्धवा, युद्धवा माने युद्ध करके, प्रयुद्ध्या, प्रयुद्ध माने अच्छी प्रकार से युद्ध करके, रक्ष, रक्ष, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, तो रक्षित्वा, रक्षित्वा ने अच्छी प्रकार से रक्षा करके, वो रक्षा करके केवल, और संरक्ष, संरक्ष का अर्थ अच्छी प्रकार से रक्षा करके, ठीक है। रच, रच का अर्थ होता है रचना करना, बनाना, तो रचयित्वा माने बना करके, विरचय्या, विरचय्या माने कोई अच्छी विशेष रचना करके, कोई अच्छी पुस्तक की रचना करके, कुछ ऐसा, विरचय्या माने अच्छी प्रकार से रचना करके, बना करके। रभ, रभ का अर्थ है आरंभ होना, या आरंभ होना, आरंभ करना अर्थ नहीं है, आरंभ होना। रब्ध्वा, रब्ध्वा का अर्थ है आरंभ होकर, ठीक है। आरभ्य माने आरंभ होकर, वही अर्थ है, ठीक है। रम, रम का अर्थ है रमण करना, किसी में लग जाना, ठीक है। रत्वा माने उसी में लग करके। विरमय्या, विरमय्या का अर्थ होता है ठहर कर, भी आ गया इसलिए अर्थ बन गया, विरमय्य माने ठहर कर, रुक कर। रोह, रोह धातु है बढ़ने अर्थ में, चढ़ने अर्थ में। तो रूढ़्वा, रूढ़्वा माने चढ़ कर के, ठीक है। आरोहिया, वही अर्थ, आरोही माने ऊपर चढ़ कर के। लप धातु है, लप का अर्थ होता है बातचीत करना, ठीक है। तो लपित्वा माने बात करके, बातचीत करके। लब्ध्वा, लब्ध्वा तो ये लब धातु है, लब का अर्थ होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो लब्ध्वा माने प्राप्त करके। अच्छा, यहां इसका छूट गया था, लपित्वम भाग, विलप्य, विलप्य माने, यहां इसका अर्थ है विलप्य माने विलाप करके, ये छूट गया यहां पर, इसको दोबारा कर लेते हैं यहां से। तो लप, लपित्व माने बात करके, और विलप्य माने विलाप करके, माने विलाप करते हैं दुखी हो करके, ठीक है। तो लभ, लभ माने प्राप्त करना, लब्ध्वा में प्राप्त करके। उपलभ्य, उपलभ्य का अर्थ होता है समीप में जाकर प्राप्त करके, ठीक है, उपलभ्य। चलिएगा, अब इधर एक पंक्ति और है, इसको लिख लेते हैं, फिर आगे की कक्षा में करेंगे। लिख, लिख का, लिख का लिखना अर्थ होता है लिखित्वा माने लिख करके। विलिख्य, विलिख्य का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से लिख करके। लिह, लिह, लिह का अर्थ होता है किसी में चिपकना, चिपक करके, चिपकना, ठीक है। तो लीढ्वा, लीढ्वा माने चिपक कर, ठीक है। और आलिहिया, आलिहिया का भी अर्थ है उसमें चिपक करके, ठीक है। वद, वद धातु का अर्थ है बोलना। तो उदित्वा, उदित्वा माने बोल कर। अनूद्य, या अनूद्य का अर्थ है किसी ने पहले बोला उस वैसा का वैसा ही अनुवाद करके, माने अनूद्य माने उसके पीछे बोल करके, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे यदि आप बोल रहे हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसको कहा जाएगा अनूद्य, बोल करके। वापा, वप का अर्थ होता है बोना, अथवा काटना अर्थ भी होता है, ठीक है। उक्त्वा, उक्त्वा माने बो करके। समुप्या, समुप्या माने अच्छी प्रकार से बो करके, ठीक है। वस, वस धातु है रहने अर्थ में। तो उषित्वा निवास करके, अथवा रह करके। उपोष्य, उपोष्य का अर्थ हुआ समीप में रह करके। वह धातु है, वह का अर्थ होता है ले जाना, ढोना आदि, ठीक है। या बहना, नदी का बहना भी होता है, हवा का बहना भी होता है,
ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा माने वाह करके अथवा ले जा करके। प्रोहिय, प्रोहिय यहां पर कहेंगे प्रोहिय बन जाएगा, तो प्रोहिय का अर्थ हो जाएगा अच्छी प्रकार से ले करके, ठीक है, अच्छी प्रकार से ढो करके। ठीक, विष, विष का अर्थ होता है प्रवेश, एंट्री, तो विष्ट्वा, विष्ट्वा माने प्रवेश करके, और प्रवेश, प्रवेश का अर्थ भी वही है प्रवेश करके। ठीक है, वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है होना, ठीक है, तो वर्तित्व माने हो करके। ठीक है, निवृत्त्या, निवृत्ति वही है कि पूरा हो करके, अच्छा हो करके, ठीक है, पूरा हो करके। वृष, वृष का है वर्षना, तो वर्षित्व माने वृष्टि हो करके, बरस कर, प्रविश्य माने अच्छी प्रकार से बरस करके। शम, शम का अर्थ होता है शांत होना, तो शांत्वा, शांत माने शांत होकर के। निशम्य, निशम्य का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से शांत होकर। शास, शास धातु है अनुशासन अर्थ में, ठीक है। शिष्ट्वा माने अनुशासित होकर के, ठीक है, अनुशासित होकर। अनुशिष्य, अनुशिष्य माने अनुशासन, अनुशासन अनुशिष्य किसी के आचरण को देख करके वैसा ही अपने आप को अनुशासित कर लेने का नाम है अनुशिष्य, माने अनुशिष्य का अर्थ हुआ अनुशासन करके। शी, शी का अर्थ है सोना, तो शयित्वा सो करके। संशय्य, संशय्य तो संशय्य का अर्थ है यहां पर सम लग गया, इसलिए जो संशय करके क्या अर्थ बदल जाएगा, संशय्य, संशय्य का अर्थ है संशय करके। श्री, श्री का अर्थ है आश्रय लेना, सहारा लेना, तो श्रित्वा माने आश्रय लेकर के, आश्रित्य वही अर्थ है आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के। ठीक है, चलिए श्रु, श्रु का अर्थ है सुनना कानों से, श्रुत्वा सुनकर। संश्रुत्या, संश्रुत माने अच्छी प्रकार से सुन करके। साह, सह का अर्थ होता है सहन करना, तो साहित्वा, ठीक, साहित्वा, साहित्वा का अर्थ है सहन करके। और संसह्य अच्छी प्रकार से सहन करके। सिच्छ, सिच्छ धातु का अर्थ है सींचना, जैसे पानी आदि में वृक्ष आदि में पानी देते हैं, सिंचन करते हैं, फसल आदि का सिंचन करते हैं, ठीक है, अथवा अच्छी अच्छी बातों से बालकों के, बालकों के मन को सिंचन करते हैं, संस्कारित करते हैं, तो वो अर्थ है सिक्त्वा माने सिंचन करके। अभिषिच्य माने अच्छी प्रकार से सिंचन करके। सृज, सृज, सृज का अर्थ होता है निर्माण करना, बनाना, तो सृष्ट्वा, सृष्ट्वा माने बना करके, निर्माण करके, सृजन करके। विसृज्य, विसृज्य का अर्थ होता है, यहां अलग हो जाए उल्टा, विसर्जन, विसर्जन बोलते, तो सृष्ट्वा माने निर्माण करके, विसर्जन माने उसको नष्ट करके, विसृज्य माने नष्ट करके, ये अर्थ होता है वास्तव में विसृज्य। विसर्जन आप जानते हैं, विसर्जन बोलते हैं, ठीक है, विसर्जन, विसर्जन का अर्थ होता है उसको वही नाश करके। गणेश जी का विसर्जन करते हैं लोग आजकल वर्तमान में, है क्या करते हैं विसर्जन में, समुद्र में ले जाके फेंक देते हैं उनको, नदी में फेंक देते हैं, कहीं तालाब में फेंक देते हैं,
अच्छी बात नहीं है, अपने भगवान को अपने घर में रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, पर ऐसे लोगों ने परंपरा बना ली है कि वो फेंक देते हैं, वो क्या कहें। ठीक है, चलिएगा, फेंकिए मत भगवान को, भगवान को अपने घर में रखिएगा। तो विसृजा, सेव, सेव का अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, तो सेवित्वा, सेवित्वा का अर्थ क्या है, सेवन करके। निक्षेप्य, निक्षेप्य का अर्थ अच्छी प्रकार से सेवन करके। स्तु, तो स्तु का अर्थ होता है स्तुति करना, किसी के गुणों का वर्णन करना। तो स्तुत्वा, स्तुत्वा माने किसी के गुणों को बताना, स्तुति करके। ठीक है, प्रस्तुत्या, प्रस्तुत्य का अर्थ है किसी विषय को प्रस्तुत करके। ठीक है, यहां ऐसा आता प्रस्तुत कर। स्था, स्था का अर्थ होता है स्थित होना, रुकना। तो स्थित्वा माने रुक कर, स्थित हो कर। प्रस्थाय, प्रस्थाय का अर्थ होता है प्रस्थान करके, माने रुका हुआ है वहां से चालू, चालू हो जाना। प्रस्थान बोलते हैं, प्रस्थान तो पता ही है कि भाई वो यहां से प्रस्थान कर गए अर्थात यहां से चले गए। तो प्र लग गया तो स्था धातु का अर्थ रुकना था, तो प्र लग गया तो क्या हो गया, वहां से प्रस्थान कर जाना, जहां रुके थे वहां से निकल जाना। तो प्रस्थाय माने प्रस्थान करके। स्पृश, स्पृश माने छूना। तो स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा माने छू करके। संस्पृश्य, संस्पृश्य का अर्थ है अच्छी प्रकार से छू करके। स्मृति, स्मृति का अर्थ है स्मरण करके, स्मरण करना। स्मृत्वा माने स्मरण करके। और विस्मृत्या, विस्मृत्य का उल्टा अर्थ हो जाएगा भूल करके, भूलना। चलिएगा, हन, हन, हन का अर्थ होता है मारना। तो हत्वा, हत्वा माने मार करके। निहत्या, निहत्या माने निश्चित रूप से मार करके, ये पूरी तरह से बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ना, प्राण उसमें चले ही नहीं, पूरा एकदम क्लियर करना। हस, हस का अर्थ होता है हसना। तो हसित्वा, हस करके। विहस्या, विहस्य माने अच्छी प्रकार से जोर जोर से हंस करके। हा, हा धातु छोड़ना अर्थ में होती है। ठीक है, तो हित्वा, ध्यान देंगे बता दूंगा मैं, हित्वा जो हा धातु का हित्वा बनता है उसका अर्थ है छोड़ करके। और विहाय, विहाय का अर्थ भी यही है, छो अच्छी प्रकार से पूरी तरह से छोड़ करके। क्या, एक बात बताता हूं, देखिएगा, हा धातु का भी हित्वा बन रहा था और यहां पर एक धातु मैंने आपको यहां बताई थी, देखिएगा इसका भी हित्वा बन रहा है, ये ध्यान देंगे। इसका हित्वा का अर्थ है धारण करके और उस हित्वा का अर्थ है छोड़ करके। एक जैसे लगते हैं परंतु क्या है, जब हम व्याकरण पढ़ लेते हैं तो इस बात को जान जाते हैं कि ये धा धातु का है और वो हा धातु का है। ठीक है, ये व्याकरण पढ़ने के बाद आता है, इसलिए तो हम व्याकरण पढ़ते हैं। चलिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा, अभी आपको अंतर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे आ जाएगा। और रि, 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 रि का अर्थ होता है हरण करना अथवा ले जाना, ये अर्थ होते हैं खींचना आदि। तो हृत्वा, हृत्वा का अर्थ होता है हरण करके या ले जा करके। प्रहृत्या, प्रहृत्य का अर्थ होता है प्रहार करके, जोर से मार कर, प्रहार करना। ठीक है, इसे प्रहार करते हैं, तो प्रहृत्या प्रहार करके। वे, वे धातु का अर्थ होता है बुलाना, क्या होता है बुलाना। और उत्वा, उत्वा माने बुला करके। और आहुय, आहुय का भी अर्थ होता है बुला कर।
ये मैंने आपको क्त्व प्रत्यय के बहुत सारी कुछ धातु, इतनी धातु तो बहुत हैं आपके, इतनी धातुओं के रूप आप याद कर ले देख लेते हैं तो बहुत प्रयोग बना दें। कितनी धातु मैं गिना देता हूं आपको, कितनी बताएंगे देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 27 इस लाइन में है और 27 ही इस लाइन में है पूरी। कितनी हुई 27, 27 माने 27 प्लस 27 कल आपके कितने हुए 54, 54 हो गए आपके, ठीक है 54 धातु। और गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 और 21 42 कितने हो गए 42। ध्यान दीजिएगा ये 42 प्लस 54 बराबर कितने हुए 6 और 7 नहीं गलत हुआ, ये 6 हो गया, 5 और 4, 9 96 धातु, 96 धातुओं के मैंने आपको कुत्ता प्रत्यय के रूप बता दिए। अब आपको ये काम करना है, ये रूप तो मैंने लिखा दिए, आपको धीरे धीरे एक दिन में नहीं धीरे धीरे आपको इन सभी कत्व प्रत्यांत और ल्यप प्रत्यांत शब्दों से वाक्य निर्माण करने। देखिएगा 96 धातु है, 96 ही कत्व प्रत्यय के मानिएगा और 96 इसके मानिएगा, इसमें कत्व प्रत्यय के 2-4 कम कर दीजिएगा तो लगभग आप मानिएगा ये 190 वाक्य आपके लिए तैयार हो जाएंगे। 190 वाक्य का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है इसके साथ बनाइएगा, इसके साथ बनाइएगा, बना सकते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है, आराम से बना सकते हैं। जिनका नहीं आता उनको छोड़ दीजिएगा, जरूरी भी नहीं है कि सबका बना ही देना चाहिए, पर कोशिश कीजिएगा, ठीक है इसलिए मैंने आपको ये लिखाया है। अब ये मेरी वीडियो बनाने का लाभ क्या हुआ, हमारे पाठक इसको पुस्तक में भी देख सकते हैं, परंतु मित्रों इस यूट्यूब चैनल से आउट ऑफ इंडिया के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भारतीय, वो पढ़ रहे हैं, उन वो पुस्तक नहीं मंगा सकते तो उनको ध्यान में रख करके ये लाभ हुआ। दूसरा आपके पास में पुस्तक वो भी तो भी आप इनके अर्थों को तो नहीं जानते हैं, मैंने आपको एक एक का अर्थ भी बताया है साथ में, लाभ हुआ वीडियो से, बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है मित्रों, बहुत लाभ हुआ है। तो इसलिए इसी प्रकार से मैं आपको आगे इसी कक्षा में तुमन प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय की वे कुछ धातुएं हैं ये अगली कक्षा में मैं आपको पूरा लिखा दूंगा, ठीक है फिर आपको हम कुछ और नियम आगे पढ़ाएंगे, निरंतर चल रहा है मित्रों, मैं उस कोर्स की तैयारी करा रहा हूं, मैं फेसबुक पर देखता हूं कि इस प्रकार के कोर्स पढ़ाने वाले लोगों से 50-50 हजार रुपए फी वसूल कर रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं और मैं आपको निशुल्क पढ़ा रहा हूं और वो भी विद्वत्ता के साथ में, ऐसे नहीं 50 हजार रुपए फीस देकर के जो लोग पढ़ेंगे उनसे कई गुने अच्छे मेरे पाठक संस्कृत के विद्वान और विदुषी बन जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मेरे पाठक उन पाठकों के सामने प्रश्न कर देंगे तो उनसे कोई उत्तर नहीं निकलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्येय है संस्कृत भाषा का प्रचार करना और उस प्रकार के लोगों का ध्येय होता है पैसे को कमा करके इकट्ठा कर, इसलिए वो उतना ही बता सकते हैं, वो डीपली जा ही नहीं सकते,
और हमारे पाठक और हम दोनों मिलकर के डीपली जाते हैं, गहराई में जाते हैं चीज। तो मित्रों बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इस परिश्रम से, इस पुरुषार्थ से करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को अपने घर पर बैठे बैठे सीख जाएं, संस्कृत के महान पंडित बन जाएं घर पर बैठे बैठे। बस बन सकते, कोई बात नहीं, मैंने सब प्रकार के कोर्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं, सब प्रकार के, साहित्य के भी, व्याकरण के भी, और भी जो कुछ हो सकता है आपको मैं अधिक से अधिक सामग्री इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए देने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो बस आप आगे ले जाते जाए, चलिएगा मित्रों आगे की कक्षा में मिलेंगे, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।